कि यही बच्चे जो भीख मांगते थे आज वो 12th तक पहुँचे। बेसिकली आई एम अ टीचर। मैं 44 ईयर्स मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है, तो मैं बेसिकली बिलावर की हूँ। तो ये स्कूल मैंने खोला 2009 में मैंने ये स्कूल खोला। ये रिकॉग्नाइज स्कूल है। स्टार्टिंग में आप इसकी कहानी सुनाऊंगी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इसलिए मैंने इसका नाम संघर्ष विद्या केंद्र डाला है स्कूल का नाम। तो बहुत संघर्ष करने पड़े जब स्टार्टिंग में ये स्कूल खोला, तो बहुत से जो कुछ लोग थे यहाँ पे कहने लगे आगे बड़ी मैडम हमें पढ़ाने वाली बच्चों, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि पढ़ाई क्या चीज़ है, पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था उनको। फिर मैंने जैसे कैसे भी होके ये स्कूल चलाया और तब हमारे पास बहुत बच्चे आने लगे। और सर एक इंसिडेंट, बहुत से इंसिडेंट्स हैं, तो एक मैं बताती हूँ कि हम जब स्टार्टिंग में, ये अनु मैडम है ये मेरे साथ थी, तो स्टार्टिंग में जब मैं संडे को छुट्टी नहीं रखती थी क्योंकि संडे को मैं आती थी, ऐसे मैंने यहाँ पे 4 टीचर्स रखे थे। तो हम हर घर में जाके ढूंढते थे, नहर में जाके ढूंढते थे, उनको पता ही नहीं था कि स्कूल क्या चीज़ है। बड़ी मुश्किल से उनको हम ढूंढ के यहाँ पे लाते थे। और अब सर ऐसा टाइम है कि अगर हम कभी पहले बच्चे को स्कूल से निकाल देते कि तू गंदा बन के आया, तू भीख मांगने गया था, तब वो तो स्कूल वो नहीं आते थे। अब ऐसा टाइम है अगर बच्चे को हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने के लिए, हमारे बच्चे को स्कूल के बाहर, स्कूल से क्यों निकाला, इसको आप स्कूल में रखो। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं, जैसे कभी, जैसे अभी कोरोना काल है, कोरोना से पहले भी इनका व्यवसाय ही, इनके पेरेंट्स का व्यवसाय ही यही है, भीख मांगना और चबाट चुनना। तो बच्चों को और नहीं लगता भीख मांगना। जब हम कभी बोलते हैं आपकी अपनी मम्मी को बुला के लाओ, मैडम वो काम पे गई, कहाँ काम पे गई, भीख मांगने गई, मतलब इनको लगता है कि एक काम है। तो जैसे कैसे भी इतनी स्ट्रगल करके, संघर्ष करके ये स्कूल चला रही हूँ मैं। और मैं अभी लास्ट ईयर रिटायर हुई हूँ, ड्यूरिंग सर्विस मैंने 10 साल स्कूल चलाया है और मैंने ये यहाँ पे 4 टीचर्स रखी थी। अब बहुत बार कोई कोई मुझे पूछता कि आप उनको फाइनेंस कैसे करते हैं, तो ना ही मेरी कोई सोसाइटी है, ना ही कोई मेरी NGO है, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। और जितनी भी टीचर्स यहाँ पे होते हैं मैं उनको ऑनरेरियम जो है वो अपनी पॉकेट से देती हूँ। बच्चों को स्टार्टिंग से बुक्स, कॉपीज, हर चीज़ इनको मैं अपनी पॉकेट से ही देती रही हूँ। अब थोड़ी सी चीज़ ये आई है कि अब जो बुक्स, तो खैर फिर भी ये कम ही लोग खरीदते हैं, हम बुक्स देते हैं इनको, और कॉपीज और पेंसिल्स अपने पैसों से खरीदते हैं। फीस इनकी हमने एक बार 10 रुपये फीस रखी थी, तो एक बार मुझे फ़ोन आता है, मैडम, मैंने कहा क्या, मैडम आपकी फीस ना मैं अगले महीने दूंगा, अभी मुझे पे नहीं मिल गया, उसके 2 बच्चे पढ़ते, मतलब 20 रुपये। तो अल्टीमेटली मैं फीस भी नहीं लेती, ना ही ये फीस लेते हैं, पूरा फाइनेंस मैं अपने उससे करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है सर कि हमारा स्कूल जो है ये J&K की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि 26 जनवरी की परेड में हमारा स्कूल सेलेक्ट हुआ है। और हम हर साल 26 जनवरी की परेड को जाते हैं, इस बार भी जाएंगे। और इनके लिए हमने 3 किस्म की यूनिफॉर्म्स अपने पास रखी हैं, एक स्काउट एंड गाइड की यूनिफॉर्म है, एक इनका ट्रैक सूट रखा है, और एक इनकी पैंट और शर्ट रखी है। जब कहीं हमने जाना होता है तो उनको हम ये यूनिफॉर्म्स लगा के जाते हैं। यूनिफॉर्म का इनसे हमने 1 रुपया भी नहीं लगाया है। और अगर हम इनको 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमने इनको यूनिफॉर्म्स दे दी, लेकिन
जब ये स्कूल आए दूसरे दिन हमारी एक टीचर ने बोला तेरी शर्ट तूने कमीज क्यों नहीं लगाई, कहता मैडम उसकी ना बाजू फट गई है। उसने बोला ला मैं सी के दूं। अब सीना क्या था, बाजू साथ में लगी नहीं। अब तो ये बड़े फार फार बेटर हो गए हैं पहले से, इनके कभी किताबें चूहे खा जाते थे, कभी कुछ, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। और बार बार फिर यही कह रही हूँ कि मैं तो कुछ नहीं करती, ऊपर वाले ने मुझे माध्यम पर बनाया है, कर वही रहा है सब कुछ। लेकिन बहुत खुशी होती है कि यही बच्चे जो भीख मांगते थे आज वो 12th तक पहुँच गए, जो हमारा फर्स्ट बैच है वो 12th तक पहुँच गए। ये बस्ती है मराठा बस्ती, इसका नाम है कि ये महाराष्ट्र से ये लोग हैं, कम से कम भी यहाँ पे 400-500 फैमिलीज हैं। तो ये सब पिपरी जगह है, महाराष्ट्र में पिपरी जगह, ये सब के सब वहीं के ही लोग हैं। और शायद वहाँ पे लेबर कम मिलती होगी या थोड़ा मतलब साधन कम होगा कमाने का, तो ये पूरे के पूरे लोग आते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं ये। तो ये इनका व्यवसाय क्या है, भीख मांगना और केवाड़ चुनना। स्टार्टिंग की बात कह रही हूँ, भीख मांगना और केवाड़ चुनना। अब जब से 2009 से मैंने 2004 से मैं आना शुरू किया, 2009 में ये स्कूल खोला, उसके बाद इसमें अब बहुत चेंज आई है। पहले ये रैग पिकर्स मतलब रैग पिकिंग करना और भीख मांगना यही व्यवसाय, और ऑटोमेटिकली जो पेरेंट्स करेंगे बच्चे भी वही करेंगे। इनके मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यही काम करते हैं। लेकिन बहुत हर्ष होता है जब मुझे ये बोलते हुए, जब से मैं आई हूँ इनको मैंने अवसर बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं ऐसी कुरीति बता देती हूँ कि जब 2004 में मैं आई थी यहाँ पे, छोटा छोटा बच्चा भी 30-30 पाउच तम्बाकू के खाता था, और 2-3 साल का बच्चा जिसको कुछ पता नहीं वो भी जुआ खेलता था। इनको मतलब पैसे से ही, हर गेम इनकी पैसे से ही होती थी। अब भगवान का शुक्र है कि जैसे मैंने इनको मोटिवेट कर करके समझा के, आप जो चाहे मॉल में झाड़ू पोछा ही लगाते हैं, लेकिन अब जुआ छोड़ दिया और सब लोग ये वहाँ पे काम करते हैं। और अब कोई भी बच्चा जो है वो, जो खासकर मेरे स्कूल में कोई बच्चा है, पहले वो एक बच्चा 20-20 पाउच तम्बाकू खाता था, जुआ खेलता था, अब कोई जुआ नहीं खेलता है, कोई तम्बाकू नहीं खाता है। अब मैक्सिमम बच्चे हैं वो सुधर गया, सही ट्रैक पे आ गए हैं, और ये सब लोग जो है पिपरी से वहाँ से यहाँ पे आए हैं। और इनमें अलग अलग से रिवाज थे और अब भी हैं। एक बच्चा मुझे बोलता मैडम, मैंने कहा क्या, कहता आपको भी अपने आपके हस्बैंड से मार पड़ती है। मैंने कहा क्यों मार क्यों, बाप रे हमारे तो इतनी मार पड़ती है, उनके डोले सजा देते हैं मार मार के। और रिसेंटली नाम नहीं लूंगी, अभी 10 मिनट पहले एक लेडी मेरे पास आई थी, मैंने उसको बोला आपको क्या हुआ, आपकी आंख को क्या हुआ, कहती मुझे लग गई, लेकिन मुझे पता है कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा है। नाम नहीं लूंगी मैं, मतलब इनका कल्चर कुछ ऐसा है। तो अब बहुत चेंज आ गई है, अब पहले ये 10 साल का बच्चा था, 8 साल का बच्चा उसकी मैरिज कर देते थे। अब जब से मैं आई हूँ, मैं बोलती हूँ अगर आप छोटे बच्चे की मैरिज कर दोगे तो मैं अभी आपकी कंप्लेंट कर दूँगी। मतलब कहने के ये है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने मुझे यहाँ पे भेजा, और अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क जो है वो पहले से पड़ रहा है। और मैं कहती हूँ कि भगवान करेगा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इनके रहन सहन में भी, इनके कल्चर में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मांगने के लिए एक नहीं सर बहुत से किस्से हैं। हमारे पास एक लड़की है, अब भी आई हुई है, वो छुप के मेरे पास आई, मैडम, मैंने कहा क्या, कहते मेरी माँ और मेरी बहन मुझे भीख मंगवाने के लिए ले जा रही है, पर मैंने जाना नहीं है। फिर मैंने जैसे कैसे वो उसको रोक लिया, वो आज भी स्कूल में आई है। तो एक किस्सा नहीं, बहुत से किस्से हैं। हमारे पास दो लड़कियाँ हैं और वो इतनी अच्छी प्लेयर हैं, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन उसकी चाची जो है वो उनको अब भी ले जाती है। मैं कई बार गाड़ी लेके गोल मार्केट में जाके शापा भी मारती हूँ, वो छुप जाती हैं। फिर मैं बोलती थी स्कूल आना, उसकी चाची मुझे बोलती कर ले मैडम जो तूने करना है, पुलिस बुलानी बुला ले, मैंने नहीं इनको स्कूल में आने देना। और अगर वो बच्चियाँ स्कूल, हमारे पास उनका नाम अब भी चल रहा है, अगर वो बच्चियाँ अभी भी स्कूल में आए ना, तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि उन्हें गेम्स के लिए एफर्ट्स किए, इनके लिए गेम्स के लिए मटेरियल पहुँचने वाला हमारे पास, इनको हर जगह लेके जाऊँगी, वो लड़कियाँ कहीं की कहीं पहुँचेंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे वो अब भी नहीं सुधरते हैं, उनकी चाची उनको भीख मांगने ले जाती है। अब भी मेरे साथ शर्त रखोगे, अब भी आप गोल मार्केट में जाओगे आपको वहीं वो लड़कियाँ मिलेंगी। बहुत अफसोस होता है ऐसे कि अगर इनके पेरेंट्स कोऑपरेट करें, चंद ही हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कोऑपरेट नहीं करते, मांगने के लिए ले जाते हैं, बाकी 99% जो है वो स्कूल में आते हैं। आपका नाम? पंची। पंची हाँ।
हाँ, इसी स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे कंचन मैडम के यहाँ। बच्चे को सुधार आया, हमारे मोहल्ले में भी सुधार आया। क्या सब बच्चे मांगने खाने जाते थे, कबाड़ कबाड़ चुपने जाते हैं, अभी कोई नहीं जाता है। सब स्कूल आते हैं और स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जितना मैडम से बनता है बहुत ज्यादा, उतना वो जोर लगा के बच्चे को पढ़ाती है। वही बच्चे को सुधार आया हमारे थोड़े बहुत। चलो आगे तो हमारे बच्चे तो नहीं पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे के बच्चे पोते हमारे इधर ही पढ़ रहे हैं। अभी सरकारी स्कूल में भी गए कई बच्चे, आठवीं पास हो गए। उसकी दुआ है हमारे ऊपर, हमारे बच्चे आगे तक जा रहे हैं।